शानदार खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। खबर सनसी न्यूज चैनल में युवा जोश नई सोच के साथ विशाल पटेल के साथ आपका स्वागत है। यूपी के सीतापुर किसान क्रांति सेना उत्तर प्रदेश ने किसानों और नौजवानों के हितों को ध्यान में रखते हुए दिनांक 28 दिसंबर 2018 दिन शुक्रवार समय 12 बजे स्थान राजा कॉलेज मैदान में राष्ट्रीय अध्यक्ष हार्दिक पटेल के मुख्य अस्तित्व में किसान नौजवान पंचायत में एक क्रांति का शंखनाद किया जाएगा। आपको बताते चले, पंचायत में किसानों और नौजवानों के उज्ज्वल मुद्दों से सरकार ध्यान भटकाकर मंदिर मस्जिद व सांप्रदायिक मुद्दों के लिए ले जा रही है। प्रदेश की धर्म उन्मादी मोदी सरकार की सोच के विरुद्ध पंचायत कर किसानों के हित की बात करने के बारे में किसान परिवार में जन्मे हार्दिक पटेल ने गुजरात प्रदेश में किसान के प्रति प्रदेश सरकार के आत्मक रवैये और नौजवानों व बेरोजगारों के मुद्दों पर भाजपा सरकार के विरुद्ध एक कड़ा आंदोलन चलाया था। उस आंदोलन में कुचलने और दबाने के लिए मौजूद गैलरी सरकार ने दन दन आत्मक रवैया गोली चलवाई, जिसके चलते कई नौजवानों ने अपनी जान गंवाई थी। किसान क्रांति सेना के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश कटियार ने कहा कि उत्तर प्रदेश में गन्ना किसानों के साथ पिछले हुए गन्ना माफियों के चलते ही उत्पीड़न हो रहे हैं और किसानों की उपज का सही मूल्य नहीं मिल पा रहा। मेरा एक निवेदन है कि या तो आप किसानों के मूल्य को भी 500 गुना 1000 गुना बढ़ा दो, या जो मिल उत्पाद है और जो चीजें हैं बढ़ी है उनको भी 150 गुना कर दो। तो मिल उत्पाद एवं कृषि उत्पाद में समानुपात कायम करना ये किसानों की समस्या है। जिस दिन गेहूं 16 रुपए से 1600 रुपए क्विंटल हो जाएगा, किसी किसान को ऋण माफ करने की भीख नहीं मांगनी पड़ेगी। हम किसानों को संपन्न बनाना चाहते हैं। एक दाने से 100 दाना बनाने वाला किसान आज उसकी फसलियां दिख रही है, दाल सूख गए, बचपन से सीधा बुढ़ापे में पैर रखता है, किसान कभी जवान नहीं होता है। हम इस स्थिति को बदलना चाहते हैं। हम किसानों के फौरी मुद्दे हल करने के लिए किसान के आंदोलन में नहीं है। हम किसान को संपन्न करके भारत को संपन्न करना चाहते हैं। हार्दिक पटेल जी ने अपनी शुरुआत की राजनीति की और आज उन्होंने किसान क्रांति सेना बना के उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए। अब उत्तर प्रदेश का रुख कर रहे हैं, 2019 का चुनाव भी नजदीक है, क्या मानते हैं, मोदी के विरोध में उत्तर प्रदेश आए या किसानों के हित के लिए उत्तर प्रदेश में आ रहे हैं? हमारा उद्देश्य किसी का विरोध करना नहीं है। हमारा उद्देश्य उत्तर प्रदेश की जनता को उसके अधिकारों के प्रति जागरूक करना है। जनता जब अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होगी तो अपने आप अपने नेता से सवाल करेगी। नरेंद्र मोदी ने और योगी आदित्यनाथ को जनता ने पूरी तरीके से अपने वोट से सरकार को चुना है। अब ये सरकार का दायित्व तो है कि जो जन भावना है, जो इस देश की समस्या है, उन पर खरी उतरे। हमारा काम सरकार के साथ सवाल करना है, जनता की आवाज़ को सड़कों पर ला के एक विमर्श पैदा करना है। हार्दिक पटेल जी अपने कर्तव्यों का निर्वाह कर रहे हैं। हमारा विरोध है सरकार से, क्योंकि सरकार अपनी नीतियों के आधार पर जिन मुद्दों पर सत्ता में आई उनका पूरे जमीन पर उतारने का काम नहीं कर रही है। हिंदू मुस्लिम जैसे मामले, कानून व्यवस्था पूरी तरह ठप है। कहीं किसी को गोली मार देना, कहीं किसी को जिंदा जला देना, पूरे राज्य में अराजकता का माहौल है। ऐसी परिस्थिति में जनता के लिए खड़े होकर लड़ना, ये अधिकार मुझे भारत का संविधान देता है। हम संविधान की रक्षा करने के लिए रोड़ते हैं। जब किसान क्रांति सेना की भूमिका क्या रहेगी 2019 के चुनाव में, क्या कांग्रेस को समर्थन देगी, किस तरह की भूमिका रहेगी? 2019 या 2024 की बात नहीं है, हम सत्ता के खिलाफ जनता की आवाज है। सत्ता जो काम ठीक नहीं कर रही है, हम चाहते हैं कि जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं वो अपने कर्तव्यों का निर्वाह करें। हम कतई कांग्रेस के साथ नहीं है, ना हमारा समर्थन है। जो सत्ता के खिलाफ जनता के मुद्दों को खड़ा करके उनके समाधान के साथ भारत के चुनाव में या राजनीति में आएगा, निश्चित तौर पे हम उसका समर्थन करेंगे, उसका साथ देंगे। कटियार जी, ये मानते हैं कि जो भी राजनीतिक पार्टी आती है, किसान जो है देश की रीढ़ है, और जो भी पार्टियां आती हैं वो कर्ज माफी की बातें करती हैं। जैसे अभी राहुल गांधी का बयान आ रहा है कि हमने कर दिया, मोदी जी को भी करने मजबूर कर देंगे, इस तरीके से वो कह रहे हैं। क्या आप जैसे हित की बात कर रहे हैं किसान की, कहते हैं पेंशन मिले, फसल का मूल्य मिले, तो क्या आप भी उसी पैटर्न पर जाएंगे कि कर्जा माफ हो, या आप किसानों के हित की बात करेंगे कि उनको सुविधाएं मिले, कर्जा ना माफ हो? देखिए, कर्जा माफ करना किसी समस्या का समाधान नहीं है। हम किसानों को ऐसी स्थिति में लेके आना चाहते हैं जहां किसानों को कर्जे माफ करने की जरूरत खत्म हो जाए। आप आजादी के बाद अगर आप ध्यान दें तो 27 पैसे लीटर पेट्रोल था, आज 90-80 रुपए पेट्रोल है। एक कर्मचारी जो था, जो आजादी के पहले था, जिसकी 25-30 रुपए सैलरी होती थी, आज उसकी 50,000 रुपए है। 200 से 250 रुपए में कार आती थी, आज 10 लाख रुपए में आती है। 18 रुपए 19 रुपए में साइकिल आती थी, जो विदेश से आती थी, वो साइकिल 6,000 रुपए में बिकती है।
और जो गेहूं का मूल्य था आजादी के टाइम वो 16 पैसे था, आज वो 16 रुपए 18 रुपए हो रहा है। तो जो कृषि उत्पाद है मेरे मित्र वो बढ़ा है 100 से 120%।